मनोज, आज दिल्ली और लखनऊ का जो मैच होने वाला है उसमें बाहुबली बैटर कौन होगा, कौन भांजेगा बल्ला और कौन करेगा हल्ला, ये बताइए। आई थिंक शगुफ्ता, मुझे लग रहा है दोनों तरफ से बड़ी आइडेंटिकल सी चॉइसेस हैं, दोनों सलामी बल्लेबाज भी हैं और दोनों के दोनों कप्तान भी हैं। तो एक तरफ से मैं चुनूंगा केएल राहुल, जो हमेशा जो है उनका बल्ला आईपीएल में बोलता ही बोलता है, ऑरेंज कैप की रेस में हमेशा होते हैं, लेकिन बार बार सवाल ये होता है कि क्या इंपैक्ट वाले रन हैं जो आपकी टीम को जिताते हैं। तो इस साल यही देखना है कि लखनऊ से केएल राहुल के रन बनाने का अंदाज क्या रहेगा, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा लखनऊ का सफर कितना लंबा जाता है। साथ ही साथ दिल्ली से नए कप्तान, क्योंकि हम सबको पता है कि अनफॉर्चुनेट है कि ऋषभ पंत नहीं है, एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट उनका हुआ था, तो उनकी जगह पर कप्तान बनकर अब आए हैं डेविड वार्नर, जो बहुत सारा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं इंडियन विकेटों पर, उन्होंने बार बार जमकर जो है रन लगाए हैं। तो आई थिंक दोनों तरफ से एक एक बल्लेबाज अगर मुझे पिक करना होगा तो एक है केएल राहुल और दूसरी तरफ है डेविड वार्नर। मनोज, ये कहते हैं ना कि मैच क्रिकेट इज ऑल अबाउट अनप्रिडिक्टेबिलिटी, आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, ये फाइनल उसी मोड में डिसाइड होता है। अब मुझे ये बताइए कि कौन सा बॉम्बशेल बॉलर होगा, किसकी गेंदें आग उगलेंगी, कौन चटकाएगा विकेट, किससे सबसे ज्यादा उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस आपकी हाई? आई थिंक शगुफ्ता, जैसे आपने कहा गेंदबाजों की बात, लखनऊ में मुकाबला है और वहां पर हमने देखा है कि स्पिनर्स को मदद मिलती है, तो दोनों तरफ से रिस्ट स्पिनर्स से अंदाज दोनों का अलग है। लेफ्ट आर्म स्पिन कुलदीप यादव, उनको चाइनामैन भी कहते हैं, तो कुलदीप यादव दिल्ली से मुझे लगता है और लखनऊ से रवि बिश्नोई, न जाने क्यों वो इंडिया की टी20 टीम से बाहर हो गए थे, तो आई थिंक ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव और इस बार वो चाहेंगे कि जबरदस्त उनके लिए आईपीएल जाए, ताकि वो जो इंडियन टीम में वो बाहर कर दिए गए थे वहां पर भी वापस आए। और जबरदस्त गेंदबाज हैं, जिस तरीके का कैरेक्टर उन्होंने शो किया है, मेंटल टफनेस शो करी है, और इनफैक्ट दोनों ने, कुलदीप भी एक वक्त पर टीम से बाहर हो गए थे, लेकिन अब इंडियन टीम के नंबर वन स्पिनर कुलदीप यादव हैं, युजवेंद्र चहल उस रेस में थोड़ा सा पीछे हो गए हैं, और दूसरा एक युवा कंटेंडर रवि बिश्नोई। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है लड़ाई तीनों स्पिनर्स की रहेगी, लेकिन इस मुकाबले में ये जो बैटल है मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा और बॉम्बशेल बॉलर्स में मैं पिक करूंगा, एक तरफ कुलदीप यादव तो दूसरी तरफ रवि बिश्नोई। जैसे इंतजार कर रहे हैं, खड़े खड़े थक गए होंगे, बात मास्टर ब्लास्टर की कर ले। देखिए, एक ऐसा बल्लेबाज जो अकेले दम पर मैच उड़ा ले जाने की क्षमता रखता है, कुवत रखता है, तो मनोज मुझे ये बताइए कि अगर आपको किसी एक बल्लेबाज पर दाव लगाना है कौन होगा? अच्छा, एक बल्लेबाज आपने पूछा है, अब ये श्योर नहीं है क्योंकि ओवरसीज प्लेयर्स का आपको देखना पड़ेगा क्या कॉम्बिनेशन बनता है दिल्ली की तरफ से, बट अगर एक ऐसा पिक करना हो तो राइली रोसू मुझे लगता है कि बड़े ही एक्सप्लोसिव बैटर हैं, एट विल छक्के लगा सकते हैं, स्पिन को भी बेहतर खेलते हैं, उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, सब कॉन्टिनेंट में लीग तमाम खेलते हैं, तो आई थिंक एक बल्लेबाज जो, जिसे हम कहते हैं कि मास्टर ब्लास्टर, पूरा मैच एक ओवर में ही बदलने की जो क्षमता रखता है वो राइली रोसू है, लेकिन पृथ्वी शॉ पर भी नजर रखेगा, वो भी चाहेंगे, हमने देखा अभी तक शुभमन गिल ओपनर, ऋतुराज गायकवाड़ ओपनर, और पृथ्वी शॉ एक ऐसा बल्लेबाज है जिसको हर कोई देखता है कि टी20 में ओपनर हमारा ऐसा होना चाहिए, तो पृथ्वी भी जो है सरप्राइज आपको कर सकते हैं। वैसे मनोज मुझे ये बताइए कि कल वाली जो प्रेडिक्शन थी ना, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, हाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई, या फैंस को भी कंफ्यूजन हुई है, और आज दिल्ली वर्सेस लखनऊ किसके पाले में? इसी का मैं वेट कर रहा था, क्योंकि आईपीएल है और एक दूसरे के मजे ना लिए जाएं तो ये कैसे होगा यार। देखिए, जैसे अभी आपने देखा कि रिंकू का अप्रैल फूल बन गया, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, तो एक प्यार की पट्टी जो है ना चेन्नई और महेंद्र सिंह धोनी की, वो पट्टी बंधी हुई थी आंखों पर, और चेन्नई को थोड़ा सा वो ये कि बॉलिंग प्रॉब्लम नजर आ रही है उनकी, लेकिन चलिए जो कल की बात थी उसको छोड़ते हैं। आज के मुकाबले पर अगर मैं बात करूं तो आज मैं दिल्ली को बैक कर रहा हूं, हालांकि दिल्ली की भी प्रॉब्लम है सेम चीज कि भाई फिनिशर, जो मैंने राइली रोसू का जिक्र किया, वो लाइनअप में होते हैं या फिर रॉबमन पॉवेल होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली मुझे लग रहा है कि दिल्ली की टीम थोड़ा सा जो है आज लखनऊ से बेटर करेगी, तो मैं तो दिल्ली के साथ जा रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे भी जानना चाहूंगा ना, क्योंकि जैसे आज आपने मेरे मजे लिए तो कल मेरे पास भी मौका हो सकता है, बन सकता है, तो आप दिल्ली के साथ हैं आज या फिर आज आप लखनऊ के साथ जा रही हैं? ऑब्वियस रीजन, आई एम सपोर्टिंग लखनऊ। मनोज, नया सीजन है तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही टीमें जीत से आगाज करना चाहेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या वो कमजोरी है, क्या वो कमी है जिनसे दिल्ली और लखनऊ मैदान पर उतरने से पहले पार पाना चाहेंगी, कोई एक? दिल्ली के लिए जैसे मैंने अभी जिक्र भी कर रहा था, जब हम आपस में थोड़ा सा बैंटर हमारा जो चल रहा था उस पर हम बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है ऋषभ पंत क्योंकि नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशन नंबर 4 की ऋषभ पंत थे,
बट अब समहाउ वो जगह खाली पड़ गई है, आपके पास कीपर भी नहीं है। हो सकता है सरफराज कीप करते हुए नजर आए, तो सरफराज अगर कीपिंग करेंगे तो देन फिर भी वो नंबर पांच होंगे। तो चार और पांच वाला जो स्लॉट है बहुत इंपॉर्टेंट एक ब्रिज रहता है कि आपका टॉप ऑर्डर और जो आपके फिनिशर्स होते हैं, तो वो एक दिल्ली के लिए एक एरिया है जहां पर उनको देखना पड़ेगा कि कैसे प्लेयर्स को पिक किया जाए, कैसे किन को बैक किया जाए और किन के साथ लंबा जाना है। क्योंकि फिर अक्षर पटेल हैं, जिस तरीके के फॉर्म में है अक्षर पटेल अपना काम कर जाएंगे। वहीं जो आपने बात करी है लखनऊ की, तो सिली पॉइंट उनका वही है, कप्तान रन्स हमेशा बनाते हैं लेकिन कभी कभी केएल राहुल करते हैं कि बहुत ज्यादा जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले लेते हैं। उनको लगता है कि मैं ही इस टीम का सबसे बड़ा मैच विनर हूं और मुझे ही पूरी नैया जो है वो पार लगानी है। तो थोड़ा सा औरों पर भी ट्रस्ट करें, औरों पर भी भरोसा जताएं और अपने अंदाज में खेलें। केएल राहुल अपने अंदाज में खेलेंगे, जो एक्सप्लोसिव बेस्ट हमने उनको देखा था पहले टी20 क्रिकेट में, देन लखनऊ को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा।